और भाई क्या प्लान है नए साल से? भाई नए साल में ना ये दारू बियर सिगरेट सब बंद करनी है और मोटापा कम करना है। तेरा मोटापे के चक्कर में शादी नहीं हो रही है यार। पिछले साल भी यही बकरा था। लेकिन भाई इस बार मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अरे जवानी बर्बाद हो रही इस मोटापे के चक्कर में यार। फिर ठीक है, 35 साल बाद ही सही तुमको अपने जवानी पे तरस तो आया। चिंता तो हमको हो रही कि अगर किसी वीर महिला से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम तो भाभी का इनामिनेट टीका कर दोगे। अरे भाई बात वो इनामिनेट टीका के लिए, तो भाई ये जो फोटो है ना, ये फोटो से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। भाई अगर कोई ऐसी लुगाई मिल गई ना तो अपना तो मिशन ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। बड़ा मोटिवेशनल फोटो है भाई। बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है। चल एक बार बता तू, तेरा प्लान क्या है साल से? बस भाई इस बार दारू के साथ साथ लोनियाबाजी भी छोड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे। भाई बहुत खर्चा हो जाता है यार। भाई साला ये बात तो तुमने पिछले साल भी बोली थी। कसम खाते भाई इस बार हम तुम्हारी तरफ बिल्कुल सीरियस हैं। चल ये दारूबाजी की बात 2 मिनट के लिए तू भूल जा और ये बता कि लौंडियाबाजी करने में तेरे कौन से पैसा खर्चा होते हैं। दो तुमको समझाते हैं। बाय चांस हम मार्केट गए, वहां हमको एक लौंडिया पसंद आ गई, मतलब जो लड़की हमारे स्टैंडर्ड की, तो हम उसका तब तक पीछा करते हैं जब तक हम ये ना जान लें कि वो रहती कहाँ है या ट्यूशन कहाँ पढ़ती है। इसलिए तू कभी कभी घर पर सब्जी लाने में देर कर देता है और तेरी मम्मी तेरे को चप्पल से मारती है। हाँ यार हो जाता है कभी कभी। लेकिन इसमें खर्चे वाली बात कहाँ है? देखो तुमको पता है कि हम लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं, मार्केट में से डायरेक्ट टोक के बात नहीं कर सकते, तो उसको बचाने के लिए जहाँ ट्यूशन पढ़ती है ना हम उसी मास्टर से ट्यूशन पढ़ते हैं। कुछ दिन बाद खुद है टी टी पा पा टी टी पा पा फिर हो जाता है। अब मेरे को समझ में आया कि तू हमेशा वो एनसी शर्मा मास्टर साहब के घर पे क्यों जाता है। लेकिन वो तो 7वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ना। क्या करें इस बार नाबालिग पसंद आ गई। अच्छा एक बात बता तू, तू कुछ काम धाम तो करता नहीं है तो तू ये पैसा लाता किधर से? पापा के जेब से चुराता हूँ, ये दारू भी उन्हीं के पैसे की है। क्या बात कर रहा है यार? अबे तो तेरे पापा को पता नहीं लगता है? घंटा पता चलेगा जब वो भी ऐसे हमारी तरह टुर होते आते हैं ना पूरा मार के, उस दिन चुराता हूँ। उनको पता ही नहीं चलता जेब में कितना पैसा। अच्छा चल अगर किसी दिन पता चल गया तो उसका सोल्यूशन है भाई। क्या? तुरंत छोटी बहन को सामने कर देता हूँ, उसके कान में 2-4 लगा के, क्योंकि 2-4 बार वो पकड़ी गई है। अब जब भी सूर्य होता है संदेह में उसको ही गिरफ्तार किया जाता है। और बता भाई नए साल से तेरा क्या प्लान है? भाई नए साल से ना दारू छोड़नी है, बियर छोड़नी है, सिगरेट छोड़नी है, मोटा खत्म करना है भाई मेरा। यार मैं तो शादी नहीं हो रहा चक्कर में यार। खैर बता तेरा क्या प्लान है? दारू और लोंडियाबाजी दोनों छोड़ देंगे, बहुत खर्चा हो जाता है यार। रिचार्ज तो खराब नहीं थे। हेलो हैप्पी न्यू ईयर जानू। हैप्पी न्यू ईयर। बताओ ये छोड़ेंगे लुंडियाबाजी? अरे बेटा तुमसे ना हो पाएगा और देख लेना एक दिन हम ही करके दिखाएंगे तुमको।